नमस्कार दोस्तों, टेक डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्वाड रूटर के ऊपर। तो बेसिकली ये क्वाड रूटर है क्या, जैसे कि आप फोटो में देख सकते होंगे पहले से ही, मतलब जो मेरा यूट्यूब का थंबनेल था उसमें लिखा था कि मेरा फ़ोन इफेक्टेड हुआ है। तो क्या है ये क्वाड रूटर? तो शायद कुछ लोगों को पता होगा कि क्वाड रूटर क्या है, फिर भी मैं बता लेता हूँ। क्वाड रूटर एक मतलब बग है जो कि क्वेलकम जिसमें चलता है, जिस एंड्रॉयड मोबाइल, ये बेसिकली एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर ही आया है ये वाला बग। और जो एंड्रॉयड मोबाइल में एंड्रॉयड क्वेलकम का चल रहा है, प्रोसेसर लगा हुआ है और कुछ भी क्वेलकम का लगा है, ये बग उसी के ऊपर ही आ सकता है। तो ये कैसे पता चला? जो चेकपॉइंट नाम के एक सिक्योरिटी फर्म है उसी ने बताया था पहले क्वेलकम को, उसके बाद उसी ने बताया था, अप्रैल में बताया था ये क्वेलकम को कि आपके ये ड्राइवर में ऐसा 4 बग मिला है बोल के। तो ये 4 बग में से 3 बग फिक्स हो चुका है ऑलरेडी, जो कि जो नेक्सस या फिर सैमसंग इन लोग के जो फ़ोन आता है, जो बड़े बड़े S6 या फिर नेक्सस के 6P, ऐसे कुछ कुछ फ़ोन में ये वाला सिक्योरिटी अपडेट एंड्रॉयड के थ्रू मिल चुका होगा इन फ़ोनों में। लेकिन अभी भी हमारे जो फ़ोन है ली, बेसिकली मैं ली की बात कर रहा हूँ, मैं ली यूज कर रहा, और भी जो भी फ़ोन है, मतलब जो कि बड़े कंपनी नहीं है, सैमसंग के तरह नहीं है, तो उन लोग में अब तक नहीं आया है। तो आप फोटो में देख सकते हैं मेरे में चारों के चारों बग जो है चारों दिखा रहा है। तो ये बात कर रहा था मैं कि जो क्वेलकम है, अगर आप क्वेलकम का आपका प्रोसेसर नहीं लगाया है फ़ोन में तो डरने का कुछ बात ही नहीं है। अगर आप मीडिया टेक का यूज कर रहे हैं या फिर हुआई का जो केरिन या फिर सैमसंग का एग्जिनस, जो भी बाकी प्रोसेसर है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ये। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं क्वेलकम का, आपका फ़ोन में अगर क्वेलकम का प्रोसेसर लगा हुआ है तो ये अफेक्टेड हो सकता है। और चेकपॉइंट ने बताया कि अभी तक 900 मिलियन फ़ोन में ये अफेक्टेड हो चुका है। तो मैं चेक कर रहा था, अब कैसे चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ जो क्वाड स्कैनर के नाम से एंड्रॉयड प्ले स्टोर में है, तो आप उसको इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि वो आपको जो हैकर्स है वो डायरेक्टली आप इसके थ्रू, इस बग के थ्रू आपके मोबाइल के अंदर घुस सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे ये पता नहीं है कुछ भी। अगर 900 मिलियन फोन है तो आपके ऊपर आएगा कि नहीं, वो हैक कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका कुछ डरने का उतना टेंशन नहीं है। और आप बचेंगे कैसे इससे ये भी बता देता हूँ। और आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहले तो अननोन सोर्सेस से डाउनलोड मत कीजिए, और जो आपका दिखाता है अननोन सोर्सेस को क्लिक करिए इंस्टॉल करने से आउटसाइड ऐप के लिए, उसको टोटली बंद कर दीजिए। और जो भी डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड प्ले स्टोर के ऊपर ही डाउनलोड कीजिए। ऐसे करने से आप आराम से बच सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप जानना चाहते हैं कि आपका इफेक्टेड हुआ है कि नहीं, तो आप मैं नीचे में लिंक दिया हूँ, उसे क्लिक करके या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाइए और क्वाड रूटर स्कैनर सर्च कीजिए, ऊपर ही आ जाएगा, लिखा होगा नीचे चेक पॉइंट कंपनी के तरफ से है बोल के, तो वो डाउनलोड करके आप बच सकते हैं। या फिर आप चेक कर सकते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो जो बड़े बड़े कंपनी हैं उन लोग में शायद, जहाँ तक मुझे पता है, एक ही बग दिखाएगा, जो वाला ये आखिरी बग है, ये जिसका नाम दिया गया है क्वाड रूटर, क्योंकि ये 4 बग थे तो इसीलिए क्वाड हो गया, तो क्वाड रूटर जो दिया गया है। लेकिन हमारे में 4 बग ही दिखा रहा है। अब जब नेक्स्ट सिक्योरिटी अपडेट आएगा ली का या जो भी कंपनी का नेक्स्ट सिक्योरिटी अगस्त के बाद जो आएगा, क्योंकि ये अगस्त सिक्योरिटी अपडेट में ये ठीक हो जाएगा ये वाला बग, तो बड़े कंपनी में हो गया है शायद, लेकिन हमारे में अभी नहीं हो सकता है। तो अगर जब नेक्स्ट अपडेट आएगा तो ये वाला ठीक हो जाएगा, ऐसा सब गूगल का भी कहना है। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपका है कि नहीं। बस ये एक था सजेशन, तो मैं बता दिया, मेरा फ़ोन भी इफेक्टेड हो गया है, आप देख सकते हैं फोटो में ऊपर में। तो आशा करते हैं कि आपको क्वाड रूटर के विषय बारे में कुछ आइडिया आ गया होगा कि क्या है, क्या कर सकता है, और जैसे मैं स्टेप बताया आपको वैसा करके आप अपने फ़ोन को ठीक से रख सकते हैं। तो अभी के लिए प्लीज़ साइडवेयर से मत डाउनलोड करना, मतलब कुछ भी साइड लोड मत करना, APK या फिर पॉकीमन कुछ भी हो, किसी भी मिरर साइड से डाउनलोड मत करिए। जब आ जाएगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना। तो बस आप शायद क्वाड रूटर के बारे में जान चुके होंगे, तो यही कहना था क्वाड रूटर के बारे में। और टेकी पॉइंट के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रोजाना इसी तरह के टेक से रिलेटेड वीडियो और टेक न्यूज लेकर आते रहता हूँ। तो ये बाकी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।